सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपेरिमेंटल माइंड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दो ऑप्टिकल फाइबर को कैसे ज्वाइन किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों के बॉक्स में जो इक्विपमेंट सब आता है देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा सेंटर में, ये हमारा जॉइंटर मशीन जिससे मेन हमारा फाइबर ज्वाइंट होता है। इस मशीन के ही अंदर हमारा फाइबर ज्वाइंट होता है। और ये पिलास है, कटर है। और ये ऑप्टिकल फाइबर में जो पिटल जॉइंट होता है, ये हमारा वो है। ये थिनर है जो फाइबर को छीलने के बाद हमारा यूज़ में आता है। ये फाइबर कटर है, इसी से हमारा फाइबर को छीला जाता है। फाइबर के इंटरनल पार्ट को इसी के थ्रू निकाला जाता है, जो मेन फाइबर वायर होता है। और ये हमारा ऑप्टिकल पावर मीटर है, इससे हमारा पावर चेक किया जाता है। और ये जो बॉक्स है हमारा, इसमें हमारा फाइबर क्लेवर है। फाइबर क्लेवर का मतलब, ये जो हमारा फाइबर छीलने के बाद जो एक्स्ट्रा फाइबर होता है, वो इससे वो फाइबर कट किया जाता है। तो इसे मैं अंदर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। स्टार्ट, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वायर को जिसके अंदर से मैंने डाला है, उसे स्लिप कहते हैं। तो स्लिप के अंदर मैंने वायर डाल दिया है। तो दूसरे वाले वायर को, ऑप्टिकल फाइबर को अंदर से निकालना है छील के। तो ये जो साइड में रस्सा टाइप का दिख रहा है, उसे काट के कटर की मदद से निकाल लेना है। तो अभी जो पूछा जा रहा है ना, ये ग्लू लाइक स्ट्रक्चर रहता है, वो फाइबर का प्रोटेक्शन के लिए अंदर दिया जाता है। तो उसे सबसे पहले हटा दिया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर कितना फाइबर है। तो ये 4 फाइबर तार है हमारा। तो हम लोग इसमें से कोई भी एक फाइबर को चूज़ कर लेंगे जिससे मुझे अगले तार में जॉइंट करना है। तो अब फाइबर कटर की मदद से सबसे पहले इसे छील लेंगे। तो यहाँ छीलते कैसे हैं, यहाँ ये दिखाया जा रहा है। ये लास्ट वाले पॉइंट पे कटर पे रख के फाइबर को छीला जाता है। अब फाइबर क्लेवर की मदद से एक्स्ट्रा जो छीला हुआ तार है, उसे कट किया जाता है। तो ये कट होने के बाद, ये हमारा मेन जो मशीन है, ये ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद सबसे पहले लेफ़्ट साइड में वायर को डालने के बाद मशीन को बंद किया जाता है। अब दूसरे वाले वायर को छीलना है फाइबर कटर की मदद से। ध्यान रखें, जब भी छीलते समय बिल्कुल सावधानी से छीलना है। और छीलते समय थिनर का यूज़ ज़रूर करना है, क्योंकि छीलने के बाद जो भी उसमें डस्ट पार्टिकल्स बैठा हुआ रहता है, वो थिनर की मदद से बिल्कुल हट जाता है। सो बिल्कुल ध्यान से छीलना है फाइबर को। तो ये हमारा दूसरा फाइबर भी छिलाने के बाद कट हो चुका है। तो अब हम लोग इसे दोनों फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर वायर को मैं जूम करके दिखा देता हूँ डालने के बाद। अब इसे सेट किया जा रहा है। तो ये ज़रूर हम लोगों ने कहीं पे कोई फॉल्ट किया था, तो राइट वाला फाइबर सही से कट नहीं हुआ, तो इसे फिर से कट करना है। जब भी अगर सही से कट नहीं होगा फाइबर, तो अंदर में मशीन के अंदर इंडिकेट करने लगेगा हमारा। तो एक बार तो इंडिकेट कर चुका, दोबारा ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ सेट पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ अब ये तार जॉइंट हो रहा है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं।
तो ये फिनिश हो चुका है। ध्यान रखिए ऊपर जो लॉस दिख रहा है वो 0 dB पे लॉस रहना चाहिए। अगर लॉस थोड़ा भी ज़्यादा रहा तो हमारा जो फाइबर है वो सही से काम नहीं करेगा। तो ध्यान रखें फाइबर जॉइंट करते समय ऊपर 0 dB ज़रूर देख लें, क्योंकि पॉइंट कुछ dB भी बढ़ा हुआ रहेगा तो वो हमारा फाइबर काम नहीं करेगा। तो अब वो जो हमारा स्लिप था अब हम उसे हीट करके, ये हमारा हीट का आगे इंडिकेट कर रहा है, हीट करने के बाद वो स्लिप जो रहेगा वो बिल्कुल फाइबर में पकड़ बना लेगा अपना, जिसके मदद से हमारा फाइबर ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो जब तक यहाँ पे वो बल्ब इंडिकेट कर रहा है वो तब तक वहाँ हीट हो रहा है, बल्ब जैसे ही जलना बंद हो जाएगा वो हमारा फिनिश हो जाएगा, जो कि यहाँ हीट हो चुका है। तो बल्ब इंडिकेट कर रहा है तो अब हम लोग इसे अंदर से निकाल लेंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये फाइबर पे बिल्कुल अपना पकड़ जमा चुका है, ऊपर में ये बिल्कुल चिपक चुका है फाइबर के साथ। तो ये स्लिप का काम यही रहता है कि दो फाइबर जहाँ पे हम लोग फाइबर को जॉइंट करते हैं उसके ऊपर डाल के स्लिप को हीट करके बिल्कुल इसके ऊपर चिपका दिया जाता है। तो दोस्तों इसे सबसे पहले मशीन को वापस अपनी जगह पे रख देंगे। तो अब सबसे पहले ये जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर वायर जो जॉइंट हुआ था उसके रखने का तरीका देख लेंगे। उसके जो रखने का तरीका है उसके बीच में हम लोग जो सर्किल टाइप का गैप बनाते हैं, हम लोगों को गैप थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाना है, क्योंकि अगर हम लोग ज़रा सा भी फोल्ड करने में थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ करेंगे तो हमारा जो सिग्नल होगा वो लॉस हो जाएगा, और सिग्नल लॉस होने के कारण जिस काम के लिए हम लोग फाइबर जॉइंट करें वो काम हमारा हो नहीं पाएगा। इसलिए ध्यान रखें फाइबर कहीं से भी मुड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी फाइबर मुड़ेगा हमारा काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये सेकंड स्टेप हम लोग दिखा रहे हैं। सेकंड स्टेप में घर पे कैसे ऑप्टिकल फाइबर का काम होता है तो वो वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो ये जो डब्बा टाइप का आप लोग देख रहे हैं ये इसे पैच बॉक्स बोलते हैं। जो हमारा फाइबर जॉइंट होता है वो इसी के अंदर सेट होता है हमारा। ध्यान रखें ऑप्टिकल फाइबर वायर को छीलने समय थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होता है। ये ग्लू लाइक स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी हटाना ना भूलें, क्योंकि ये वायर के प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो इसे सबसे पहले फर्स्टली सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक वायर को डाल के उसे अपनी जगह पे लॉक कर लिया है। तो ये फाइनली टाइट करके मैंने यहाँ लॉक कर दिया है। तो अब हम इसके एक्स्ट्रा वाले पार्ट को कट कर लेंगे। तो इसे पैच कोड कहते हैं इस वायर को, जो कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये भी हमारा फाइबर वायर ही है। तो अब हम लोग ऑप्टिकल फाइबर वायर में पैच कोड को जॉइंट करेंगे। तो ध्यान से देखें
इसे भी फाइबर कटर की मदद से छील लेना अच्छी तरीके से। छीलने के बाद वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको काट कट कर लेना है, और जो हमारा मेन वायर है उसे जैसे जैसे ऑप्टिकल फाइबर वायर को छीलते हैं वैसे छीलना है। तो छीलने से पहले स्लिप को अंदर डाल लेना है वायर के अंदर में। तो यहाँ पे सबसे पहले स्लिप को डाल लेंगे वायर के अंदर। स्लिप को डालने के बाद वापस से फाइबर क्लेवर को का यूज़ करना है, जो कि एक्स्ट्रा फाइबर को कट करने में हमारी मदद करता है। तो अब वायर को सबसे पहले छील लेना है। तो ये हमारा मशीन भी इधर ऑन हो रहा है और हम लोग इधर फाइबर को भी छील रहे हैं। तो मशीन को खोलना है और लेफ्ट साइड में सबसे पहले इसे फाइबर क्लेवर की मदद से कट कर लेना है, जो एक्स्ट्रा हमारा छिला हुआ फाइबर है। तो ये पहला वायर हमारा कंप्लीट है, तो इसे सेट कर देना अपनी जगह पे। तो पहला वायर जब तक अंदर में है तब तक हम लोग दूसरे वाले वायर को छील लेंगे। तो ध्यान रखें, वहाँ पे मैंने ब्लू वाला वायर वहाँ पे ज्वाइंट किया था, तो मैं यहाँ पे भी ब्लू वाला वायर ही ज्वाइंट कर रहा हूँ, क्योंकि वायर के अंदर बहुत सारे फाइबर होते हैं। तो ध्यान रखें, जो आपने वहाँ पे ज्वाइंट किया था उस वाले फाइबर पे, यहाँ भी उसी वाले फाइबर को ज्वाइंट करना है। कलर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है ज्वाइंट करना। तो ये ज्वाइंट हो रहा है। तो एस्टिमेटिंग ऊपर देख सकते हैं, लॉस 0.00 dB है। मैं बार बार वीडियो में बोल रहा हूँ, फाइबर को ज्वाइंट करते समय ध्यान रखें, लॉस जो होना चाहिए 0.00 dB होना चाहिए, नहीं तो हमारा फाइबर जो काम करने के लिए हम लोग फाइबर को ज्वाइंट करें वो काम नहीं होगा। तो अब हम लोग हीट करके स्लिप को अपनी जगह पे सेट कर लेंगे। तो ये हीट हो रहा धीरे धीरे और स्लिप अपनी जगह पे फिक्स होते जा रहा है। तो ये स्लिप, ये हीट का बटन जैसा कि देख सकते हैं इंडिकेट करना बंद कर दिया, इसका मतलब हमारा हीट कंप्लीट हो चुका है। तो मशीन को ऑफ कर लेंगे और सबको अपनी अपनी जगह पे डाल देंगे। ध्यान दें, यहाँ पे भी जो हम लोगों ने फाइबर को राउंड किया है इसके बीच में गैप देख सकते हैं आप। गैप इसलिए लिया जाता है कि जो हमारा सिग्नल है वो लॉस ना हो। अगर सिग्नल लॉस होगा तो फिर हमारा काम ही नहीं करेगा हमारा फाइबर वायर। ध्यान दें, इस काम को बिल्कुल आराम से करना है। दोनों वायर को सर्किल टाइप स्ट्रक्चर में लपेट देना है अंदर में, और ये बॉक्स जिसमें हम लोग लपेट रहे हैं इसका नाम है पैच बॉक्स। तो दूसरे वाले वायर को भी फिक्स कर लेना है, जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले वायर को किया था। तो ये एक्स्ट्रा वाले पार्ट को कट करके निकाल लेना है। तो
अंदर वाले फाइबर को, फाइबर इधर उधर होके टूट ना जाए तो टेप की मदद से उसे अपनी जगह पे फिक्स कर देना है। ध्यान रखें, बिल्कुल सावधानी से करना है इस काम को। और एक्स्ट्रा जो फाइबर है जिसमें हम लोगों ने कनेक्शन नहीं डाला है, जिसे कनेक्ट नहीं किया दूसरे वायर के साथ, उसको भी इसके अंदर ही लपेट देना है। लपेटने के बाद पैच बॉक्स के ढक्कन को उसके वापस जगह पे सेट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग इस पैच बॉक्स को पैक कर लेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा पैक हो चुका है। पैक करने के बाद एक जगह पे बाहर में हम लोग इसकी टेपिंग कर लेंगे, क्योंकि आगे चल के कभी भी इस फाइबर वायर पे हमारा खींच पड़ता है, अगर यह कोई इस फाइबर वायर को बाहर से अगर खींचता है तो ये हमारा ब्रेक नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर बाहर में इसकी टेपिंग कर ली है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो ख़त्म हुआ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।